नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना, जिला यमुनानगर। कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 विधायिका लेजिस्लेचर का भाग 2 आज हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भाग 2 में हमारे जो विषय होंगे, लोकसभा की शक्तियां या कार्य, लोकसभा की संरचना, सदस्य संख्या, कार्यकाल, सदस्यों के लिए योग्यताएं, लोकसभा के स्पीकर और उप स्पीकर का वर्णन हम भाग 1 में कर चुके हैं। तो लोकसभा की शक्तियां और कार्य इस भाग में करेंगे। इसके अलावा संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे विषय होंगे राज्यसभा की सदस्य संख्या, कार्यकाल, अध्यक्ष और अंत में हम राज्यसभा की शक्तियां भी करेंगे। तो लोकसभा के कार्य या शक्तियों को मोटे रूप से 6 भागों में बांटा जा सकता है अगर हम इनको करें, और वो 6 भाग हैं हमारे। पहला, विधायी शक्तियां। दूसरा, वित्तीय शक्तियां या धन संबंधी शक्तियां। तीसरा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। चौथा, चुनाव संबंधी कार्य या शक्तियां। पांचवी है संवैधानिक शक्तियां और 6 है न्यायिक शक्तियां। तो इन हेडिंग के द्वारा हम लोकसभा के कामों को या फिर उसकी शक्तियों को जानेंगे। तो उसमें पहला है लोकसभा की विधायी शक्तियां। विधायी का मतलब है कानून बनाने वाली शक्तियां। तो लोकसभा का मुख्य काम अगर हम देखें तो वो है कानून बनाना है। कानून बनाने का काम लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर करती है। तो दोनों जब बैठेंगे तभी कानून बनते हैं, तो राज्यसभा के साथ मिलकर करती है। भारत में के संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों की शक्तियों को 3 सूचियों द्वारा बांटा गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो संघ सूची और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन सभी विषयों पर लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। यदि किसी विषय पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है, मतभेद का मतलब है कि एक सदन तो बिल को पास कर देता है लेकिन दूसरा सदन उसको पास नहीं करे या कोई ऐसे संशोधन कर दे जो पहले सदन को मंजूर ना हो, तो इसको हम मतभेद मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, यहां याद रखना है, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगर दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर मतभेद पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस अधिवेशन में जो भी निर्णय लिया जाता है वह सभी को मानना पड़ता है। इसके बाद है लोकसभा की वित्तीय शक्तियां या धन संबंधी कार्य। धन के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, या हम कह सकते हैं कि धन के मामले में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो वास्तव में नाममात्र की हैं। जैसे सभी धन बिल भाग 1 में हम आपको बता चुके हैं कि धन बिल क्या होता है, तो सभी धन बिल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। कोई बिल धन बिल है या नहीं इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा से पास होने के बाद धन बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है, तो इसका मतलब है कि धन बिल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक, ये पॉइंट याद रखना है। और यदि 14 दिनों में राज्यसभा इसे पास न करे या बिल में कोई ऐसे संशोधन कर दे जो लोकसभा को मंजूर ना हो, तब भी बिल को पास समझा जाता है। तीसरा है लोकसभा की शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो लोकसभा की कार्यपालिका शक्तियों से अभिप्राय उन शक्तियों से है जिनके द्वारा लोकसभा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। तो कार्यपालिका शक्तियों का मतलब लोकसभा की उन शक्तियों से है जिनके द्वारा लोकसभा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के ज्यादातर मंत्री लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा से लिए जा सकते हैं, ऐसी कोई बंधन नहीं है। तो ज्यादातर मंत्री लोकसभा से ही होते हैं, इसलिए लोकसभा का मंत्रियों पर पूरा नियंत्रण होता है। मंत्री परिषद अपने सभी कामों के लिए
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत बना रहता है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों पर कई तरीकों से नियंत्रण रखते हैं। प्रश्न पूछकर हमने आपको बताया था भाग एक में कि संसद का जब भी अधिवेशन होता है तो जो पहला जो सबसे रोज जो बैठक होती है उसमें जो पहला घंटा है वो प्रश्न काल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछकर या पूरक प्रश्नों द्वारा यदि संसद सदस्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट न हो तो वे उससे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है लोकसभा का मंत्रियों पर नियंत्रण रखने का या सरकार पर नियंत्रण रखने का, वो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब है कि संसद सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान उस विषय की ओर दिलाना जो वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है। काम रोको प्रस्ताव एक और तरीका है, निंदा प्रस्ताव भी है, ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका है लोकसभा का मंत्रियों पर नियंत्रण रखने का। और एक सबसे कारगर तरीका है या सबसे शक्तिशाली तरीका है वो है अविश्वास का प्रस्ताव पास करके। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा लोकसभा मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा की चुनाव संबंधी कार्य, आम चुनाव के बाद जब भी लोकसभा की पहली बैठक होती है या जब भी लोकसभा के अध्यक्ष, हमने आपको पहले बताया था, तो जब भी लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिनको हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहते हैं का पद खाली होता है तो लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। पांचवा लोकसभा का कार्य है संविधान में संशोधन करना। यदि संविधान में कोई संशोधन करना हो तो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन भी करती। संविधान संशोधन बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यहां आपको बता देना जरूरी है सिर्फ धन बिल ही लोकसभा में पेश होता है, बाकी चाहे वो सामान्य कानून से संबंधित हो या संविधान में संशोधन का बिल हो वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन इसे पास तभी माना जाता है जब दोनों सदन इसे अपने बहुमत से पास करते हैं। लोकसभा की न्यायिक शक्तियां भी हैं, कुछ मामलों में उसको न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं। लोकसभा को कुछ न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं जिनका प्रयोग वह राज्यसभा के साथ मिलकर करती है। जैसे उसमें पहला है राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि महाभियोग की कार्यवाही करनी हो तो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर इस कार्यवाही में भाग लेती है। इसी प्रकार जो न्यायिक शक्तियां हैं, यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाना हो तो लोकसभा तब भी राज्यसभा के साथ मिलकर कार्यवाही करती है। तो कुछ मामलों में उसको न्यायिक शक्तियां भी दी गई है। उसके बाद है संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा, जिसको हमने करना है। तो जो संसद का ऊपरी हम लोकसभा जो है वो संसद का निचला सदन है और राज्यसभा जो है वो संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, याद रखना है आपने इस बात को। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो लोकसभा जो है वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, अर्थात इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। किसी राज्य के लोग सबसे पहले राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं जिनको हम MLA कहते हैं। तो सभी राज्यों के जो लोग हैं सबसे पहले अपने MLA को चुनते हैं और उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं बल्कि विधायकों द्वारा या MLA द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए वो अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। संविधान की अगर राज्यसभा की सदस्य संख्या हम देखें कि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है तो संविधान की धारा 80 में राज्यसभा की सदस्य संख्या 250, ये नोट कर लीजिए आप, 250 निश्चित की गई है। इन 250 सदस्यों में से
238 सदस्य जो हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि 12 सदस्य कौन होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो ये 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, शिक्षा, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम जिन्होंने किया होता है, तो ऐसी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। तो कुल सदस्य संख्या जो है संविधान में 250 निश्चित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 हैं, अगर हम देखें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान में सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है, लेकिन वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में राज्यों की सीटें किस अनुपात में दे रखी है राज्यों को, तो भारत में राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए कि राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को राज्यसभा में अधिक स्थान मिल सके, जबकि कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्यसभा में कम स्थान मिल सके। उसके बाद उदाहरण के लिए ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो राज्यसभा में 31 सीटें दी गई हैं, जबकि छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम राज्य को राज्यसभा में 1 सीट दी गई। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जनसंख्या थोड़ी है तो उसको राज्यसभा में 5 स्थान दिए गए हैं। अमरीका में अगर हम बात करें, ये अमरीका है, तो अमरीका में विधायिका के ऊपरी सदन को वहां पर सीनेट कहते हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर उसको राज्यसभा कहते हैं, तो अमेरिका में विधायिका के ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है, लेकिन वहां सभी राज्यों को सीनेट में समान संख्या में सीटें दी गई। इस प्रकार अमेरिका में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। वहां चाहे कोई राज्य छोटा हो चाहे कोई राज्य बड़ा हो, सभी को सीनेट में समान संख्या में सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर इस गलती को सुधारा गया है, जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है उनको राज्यसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व या ज्यादा स्थान दिए गए हैं, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उनको उसी अनुसार राज्यसभा में कम स्थान दिए गए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं हैं? साधारण सी योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, यहाँ ये नोट कर लीजिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो आयु है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है, जो उम्र है, वो 30 वर्ष की रखी गई है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, ऐसे पद पर न हो जहां से उसको वित्तीय लाभ मिलता है, वह पागल या दिवालिया न हो, तो ये सामान्य सी योग्यताएं उसमें रखी गई हैं। राज्यसभा का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो वास्तव में 6 साल के लिए किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 साल के लिए होता है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए किया जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली जो बात है, इसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है। जैसे लोकसभा का जो चुनाव है पूरे देश में एक साल एक साथ होता है, ऐसा राज्यसभा के साथ नहीं है। इसके एक तिहाई सदस्य जो टोटल है उनका एक तिहाई हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा अगर हम देखें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि कभी भंग न होने वाला सदन है। तो राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपने याद रखनी है कि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। उसके बाद है राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा के अगर सभापति की हम बात करें तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि जो भी
व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के पदेन सभापति है। राज्यसभा की शक्तियों की अगर हम बात करें तो वैसे तो अनेक मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां लगभग समान हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे काम हैं जिनमें राज्यसभा की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। वास्तव में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य राज्यों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए यदि केंद्र सरकार राज्य सूची, मैंने आपको बताया तीन सूचियां हैं, संघ सूची में वे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में वे विषय रखे गए हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती है। तो यदि केंद्र सरकार राज्य सूची, क्योंकि राज्य सूची जो है वो राज्यों का विषय है, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित में संघ सूची या समवर्ती सूची में शामिल करना चाहे तो ऐसा करने से पहले उसे राज्यसभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अपने आप वह ये काम नहीं कर सकती है, तो राज्यसभा की स्वीकृति लेना उसके लिए जरूरी होता है। यहां यह बता देना जरूरी है कि राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य की विधानसभा ही कानून बना सकती है। धन बिल के मामले में राज्यसभा की शक्तियां अगर हम देखें तो धन बिल के मामले में राज्यसभा की शक्तियां बड़ी सीमित हैं। उदाहरण के लिए धन बिल जो है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो आपने याद रखनी है कि धन बिल हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और वही उसमें परिवर्तन कर सकती है या फिर उसे अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक उसे पास न करे तो भी धन बिल को पास समझा जाता है। तो धन बिल के मामले में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो नाममात्र की। क्या राज्यसभा सरकार गिरा सकती है? संविधान की धारा अगर हम 75(3) को पढ़े तो संविधान की धारा 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का मतलब प्रधानमंत्री, उसके सारे मंत्री, तो मंत्रिपरिषद अपने सभी कामों के लिए सामूहिक रूप से, एक नहीं मतलब सारे के सारे मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। अगर हम धारा 75 को पढ़े तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार, और सरकार का मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, अपने सभी कामों के लिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा ना तो सरकार बना सकती है और ना ही सरकार को गिरा सकती है। वह सिर्फ सरकार की आलोचना कर सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि राज्यसभा का सरकार पर कोई नियंत्रण होता ही नहीं। तो इसका मतलब यह भी नहीं समझना है आपने कि राज्यसभा एक शक्तिहीन संस्था है, ऐसा नहीं है। राज्यसभा की भूमिका तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब सरकार को राज्यसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता। तब सरकार के लिए किसी कानून को राज्यसभा में पास करवाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कानून, कोई भी बिल जो है कानून तब को पास तभी माना जाता है जब संसद के दोनों सदन उसको पास कर देते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो लेकिन राज्यसभा में बहुमत न हो तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए अपने कानून को पास करवाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि संविधान में कहा गया है कि यदि दोनों सदनों के बीच किसी बिल को पास करवाने के बारे में गतिरोध या मतभेद पैदा हो जाता है और यदि यह गतिरोध 6 महीने तक चलता रहे तो 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, लेकिन ये हर बिल को पास करवाने के बारे में नहीं किया जा सकता है।
अभी तक तीन बार ऐसे अवसर आए हैं जब दोनों सदनों के बीच पैदा हुए मतभेद को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। ये नहीं है कि सरकार का अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो वो हर बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए। अब तक अगर हम देखें 75 साल में तो तीन बार ऐसे अवसर आए हैं जब दोनों सदनों के बीच किसी बिल को लेकर गतिरोध पैदा हुआ है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। तो वो तीन अवसर कौन कौन से थे? 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम 1958 को पास करने के लिए, इसी प्रकार 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1977 को पास करने के लिए, और 2002 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2002 को पास करने के लिए तीन अवसरों पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। क्या मंत्री केवल लोकसभा से ही बन सकता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या राज्यसभा से बन सकता है? तो मंत्री संसद के वास्तव में किसी भी सदन से हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मंत्री जो होंगे वो लोकसभा से ही होंगे। इसके अलावा प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। वो कहीं भी जाकर अपने विचार रख सकता है, लेकिन किसी विधेयक पर मतदान के समय वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। तो ये आपने याद रखना है, जब अगर मतदान होता है किसी बिल पर तो वहीं पर मतदान करेगा जिस सदन का वो वास्तव में सदस्य होता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियां काफी कम है, कुछ मामलों में उसको दी हुई है, लेकिन अगर हम टोटलिटी देखें कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा की शक्तियां काफी कम है। राज्यसभा को कम शक्तियां क्यों दी गई, प्रश्न ये भी पैदा होता है। तो जब राज्यसभा की कोई अहमियत नहीं है तो फिर इसको कम शक्तियां क्यों दी गई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक या जिनको हम MLA कहते हैं वो चुनते, सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं बल्कि विधायक चुनते हैं। इसलिए संविधान में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी गई। संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। तो जब अंतिम शक्ति जनता के पास होती है तो यह जरूरी हो जाता है कि सरकार को हटाने और धन पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोगों के पास। तो इसलिए क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो उनको सरकार को हटाने और सरकार को गिराने की शक्ति नहीं दी गई है, लोकसभा के मुकाबले उसको कम शक्ति दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।